हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है और 10 में से कम 7-8 जो मदर हैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि मेरा बच्चा केवल वन साइड से ही फीड करता है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके कई सारे रीज़न हैं जो कि मैं अपनी इस वीडियो में वन बाय वन करके आपको सारे क्लियर कर दूंगी और आप अपनी तरफ से क्या बेटर एफर्ट्स कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा दोनों तरफ से आपकी फीडिंग करे, और साथ ही साथ मैं सारे डाउट सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दूंगी जिसकी वजह से आप परेशान रहती हैं और आप अपनी तरफ से क्या बेटर एफर्ट्स कर सकती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा आपकी दोनों तरफ से फीडिंग करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, हमारा बच्चा वन साइड से फीडिंग क्यों करता है, देखिए, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी शेप है वो ख़राब होने लगती है। ठीक है, यानी एक साइड की जो शेप है वो उभरी हुई रहेगी और दूसरी साइड की जो शेप है वो आपकी थोड़ी सी दबने लगेगी। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई जो होता है, तो हर मॉम के साथ तो नहीं, लेकिन कुछ जो मॉमीज़ के साथ क्या होता है कि जो दूध बनता है, तो एक तरफ हमारे जो ब्रेस्ट में मिलता है वसायुक्त गाढ़ा दूध, तो जो वो वाला ब्रेस्ट हमारा क्या रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा, और एक तरफ हमारा जो ब्रेस्ट में मिल्क मिलता है थोड़ा पतला बनता है जिसमें पानी ज़्यादा होता है, तो उसकी शेप थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं माले में कि हम अपने बच्चे को उसी साइड में ज़्यादा फीड कराते हैं जिस साइड में थोड़ा सा हमारा जो साइज़ बड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी जो शेप है वो इक्वल हो जाए, और बच्चे को कहीं ना कहीं क्या होती है, आदत पड़ जाती है उसी साइड में पीने की, और होता क्या है कि हमारी शेप भी बिगड़ जाती है और हमारा बच्चा क्या करता है फिर उसी कंफर्टेबल जोन में जाकर फीड करना पसंद करता है जिसको उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई कोई बच्चा क्या करेगा कि उसी तरफ फीड करेगा जहाँ की थोड़ा पतला दूध है, ठीक है, पतला जो ब्रेस्ट मिल्क निकल रहा है, और कुछ बच्चे क्या पसंद करेंगे, उस साइड पीना पसंद करेंगे जहाँ पर कि उनको गाढ़ा वसायुक्त दूध मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चे भी अपना जो क्या माइंड सेट कर लेते हैं, और फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लोगे बच्चा दूसरी साइड से नहीं पिएगा। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि जब भी आप अपने बच्चे को फीड कराते हैं हमेशा दोनों साइड से हर 5 मिनट में आप अपने साइड को चेंज कर दें, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इक्वल बनी रहे और आपका बच्चा दोनों साइड से आपका दूध पीता रहे, तो आप हर 5 मिनट में दोनों साइड पर बदल बदल कर अपने बच्चे को फीड कराएं। कुछ मदर क्या होती है कि एक तरफ से ही दूध पिलाकर बच्चे को सुला दिया, फिर सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, उन्होंने उसी साइड से दोबारा से पिला दिया। ठीक है, तो बच्चे को फिर क्या होता है, जहाँ पर उसे ज़्यादा कंफर्टेबल जो जॉन मिलता है वो वहीं पर ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, आपकी शेप बिगड़ने लगती है। साथ ही साथ जो माँ की ओपिनियन होती है कि उनके साथ अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, एक साइज़ छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, तो वो क्या करती हैं, छोटे वाले साइज़ को ना पिलाकर बड़े वाले साइज़ से ही पिलाना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब आप छोटे वाले ब्रेस्ट से अपने बच्चे को मिल्क फीड नहीं कराओगे तो वहाँ पर ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी नहीं, जब तक वो पोर्शन खाली नहीं होगा तो दोबारा से मिल्क कैसे बनेगा, जब तक बच्चा उसको सक नहीं करेगा तो वहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, उस साइड में दूध कम बनना स्टार्ट होगा और बच्चा उस साइड को पिएगा भी नहीं, और आपका क्या होगा, वो साइड छोटा ही रह जाएगा, और जिस साइड आप ज़्यादा फीड कराओगे उधर मिल्क सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ेगा और बच्चा भी उधर ही प्रीफर करेगा ज़्यादा दूध पीने का। ठीक है, तो ये बहुत माँ की तरफ से भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम रहती है, और बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट बन जाता फिर बच्चा क्या करता, उसी साइड करता, फिर आप लाख कोशिश कर लो बच्चा नहीं पीता, बहुत ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ती है, बड़े मुश्किल से बच्चे फिर दोनों ब्रेस्ट से फीड करती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए और माइंड से इस चीज़ को बिल्कुल, इस बात को बिल्कुल थ्रू आउट कर दीजिए कि वो तो छोटा है, इससे ना पिलाकर मैं बड़े वाले से पिलाऊँ ताकि वो छोटा हो जाए और दोनों इक्वल में आ जाए, नहीं, बल्कि आपको क्या करना है, उस साइड से पिलाना है जिस साइड छोटा है, ताकि आप ज़्यादा उस साइड से पिलाओगे तो बच्चे को भी थोड़ा सा साइड चेंज करने का मौका मिलेगा, और जितना आप उस दूसरी साइड से पिलाओगे उतना ही दूध उधर बढ़ेगा और बच्चे का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा।
अगर आपने एक की तरफ से पिलाना शुरू कर दिया ज़्यादा और एक तरफ कम, तो क्या होता है, मैं दूध की गांठें पड़ने लग जाती हैं, वो दूध इन्फेक्शन पैदा कर देता है, आपको ब्रेस्ट में पेन पैदा कर देगा, और साथ ही साथ रुका हुआ दूध अगर बच्चा पिएगा तो बच्चे की भी तबीयत बिगड़ जाएगी, उसको भी लूज मोशन या वॉमिट या इन्फेक्शन जैसा कुछ हो सकता है। तो इन बातों को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपको शुरू से ही ऐसा करना है कि अपने बच्चे को जब भी दूध पिला रहे हैं हर 5 मिनट बाद में अपने बच्चे की साइड चेंज करते रहें, ठीक है। और ध्यान रखें, जैसे आपने अभी जो फीड कराई है आपने लेफ़्ट साइड से पिलाई है, और आपका बच्चा अब आपको मीन्स आप वो खेलने वाला है या सोने वाला है, तो जब नेक्स्ट फीड कराएं तो आपको लेफ्ट जो जिस साइड से पहले कराई थी उसके जस्ट अपोजिट साइड से उसको फीड करना स्टार्ट करना है। तो ये ध्यान आपको खुद रखना है, जिससे अगर जिन मॉम्स को ये प्रॉब्लम होती है अनइवन ब्रेस्ट जिनका रहता है उनको कभी दिक्कत नहीं होगी, और जिन मॉमीज को ये दिक्कत रहती है कि उनका बच्चा एक ही साइड से पीता है तो उनको भी ये दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको कि हम नज़रअंदाज करते हैं और धीरे धीरे करके ये हमारे सरदर्दी बन जाते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई हों कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो माय डियर मॉमी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिएगा कर दीजिएगा। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।